घर छोड़कर पढ़ाई के लिए निकला, हॉस्टल में रह रहा है, छात्र है, देश का युवा है, कंधों पर कल भार होगा, ये एक तस्वीर है। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत कौन सी तस्वीर रोजगार के नाम पर पेश करती है, आइए जरा इस रिपोर्ट को भी देख लें कि हिंदुस्तान का सच तो बेरोजगारी हो चला है। पचहत्तर के आंदोलन में छात्रों ने जेपी के पीछे खड़े होकर डिग्री गंवाई, नौकरी गंवाई। 89 के आंदोलन में वीपी सिंह के पीछे खड़े होकर छात्रों ने आरक्षण को डिग्री पर भारी पाया। मुलायम की सत्ता तले यूपी में जाति का भर्ती घोटाला डिग्रीधारियों पर 2007 में भारी पड़ गया। शिवराज के दौर में व्यापम घोटाले ने नौकरी के जरिए नेता नौकरशाह बिजनेसमैन और दलालों के नेक्सस को उभार दिया। ये 2012 का वक्त था। एसएससी भर्ती घोटाले ने एक अदद नौकरी के लिए पढ़ाई और तैयारी में जिंदगी खपा देने वाले युवाओं को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। ये मौजूदा वक्त है। और इन सवालों के बीच देश में बढ़ती बेरोजगारी, चुनावी राजनीति का शिकार कैसे बनती चली गई, जरा इसे भी समझ लीजिए। क्योंकि रोजगार पैदा न कर पाना तो नीतियों का फेल होना है, पर रोजगार के लिए सरकार के पास वैकेंसी हो और उसके बाद भी खाली पदों को ना भरा जाए तो ये राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, जहां राजनीति को जनता के पैसे पर ऐश करना तो आता है पर खाली पदों के लिए पैसा ना होने का जिक्र कर नौकरियों को सियासी अंटी तले दबाए रहती है वो। कैसे, इसे भी समझें। पिछले बरस खाली पदों का सवाल उठा तो राज्यसभा में कैबिनेट राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया, केंद्र सरकार के कुल 4,20,557 पद खाली पड़े हैं। और इसके समानांतर अगर राज्यों की हालत देख लें तो देश भर में 10,00,000 प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल में टीचरों के पद खाली हैं। देश भर में 5,49,025 पद पुलिस विभाग में खाली पड़े हैं। देश भर की 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 6,000 पद खाली पड़े हैं। 6,000 पद IIT, IBM, NIT में भी खाली पड़े हैं। देश के 363 स्टेट यूनिवर्सिटीज में 63,000 पद खाली पड़े हैं। देश भर के 36,000 सरकारी अस्पतालों में 2,00,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। और तो और सेना में ही 55,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। यानी नौकरी के लिए युवाओं का सड़क पर उतरना हो या नौकरी न मिलने पर सड़क को ही जिंदगी का हिस्सा बनाने की दिशा में देश की राजनीति को ले जाने वाले हालात हो। और इन हालातों के बीच नीतियां बनाने वाले अगर फेल होते हैं तो फिर उनके हक में या विरोध में भी छात्रों को ही सड़क पर उतरना पड़ता है, क्योंकि देश के लोकतंत्र का मिजाज यही है और भारत तो युवा है। फिर छात्र सड़क पर संघर्ष करें और नेता छात्र संघर्ष के आश्रय सत्ता में आने के बाद अपने लिए नारे लगाने वाले छात्रों को लॉलीपॉप थमा दें। जी, मौजूदा सच यही है। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।